पिक्चर देखने के लिए बहुत ज्यादा मतलब बेताब हूँ मैं। और अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन, जरूर सुनना आप। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं कांग्रेसी बोल के। क्या समस्या क्या हो गई उन लोगों को? क्या बोल रहे थे अपन? सीमेंट का जंगल। सीमेंट का जंगल, ये देख रहे हो आप, ये पूरा सीमेंट का जंगल है। और आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर काय के लिए आए हैं? हमारी प्लानिंग तो जो था ना, वो बहन जी के घर पे, बहन जी के गांव जाने की थी, लेकिन शायद कैंसिल हो गई है। और क्यों हुई है वो बताते हैं। प्लानिंग अपनी कैंसिल है कि चल रहे हैं? कहाँ पे? बहन जी के घर पे। बहन जी के घर अभी तय करते हैं, हो सकता है जाएं, हो सकता है कि हम रमेश के सर से मिल जाए। तो ये भी बढ़िया है। हेलो तथागत लाइव के सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और भाई साहब फेमस हो गए हैं आज, दलितालिटी में इनका बहुत बढ़िया आर्टिकल आया है। आया सच में? अरे यू आर फेमस यार, सूरज ने हार्वर्ड से ट्वीट किया तुम्हारे लिए। क्या बात कर रहे हो, मैं सुबह से वही देख रहा था, आया क्यों नहीं? मैंने अभी रिट्वीट किए हैं। अच्छा, मुबारक हो, बहुत धन्यवाद धन्यवाद सुमित भाई, अच्छा लिखा है तुमने। थैंक यू थैंक यू। और हमारे साथ यहाँ पर जो है ना, वो अर्जा भाभी भी हैं। अजरा, मेरा नाम बड़ा लेने में ना बड़ा वो अजरा। तो जो सुमित भाई की जितनी वीडियोस होती है ना, मैंने अभी तक ये देखा है कि आप हमेशा बैक कैमरा रहते हो। वो मेरा कैमरा ही देखती है असल में। कैमरा देखती हैं आप? कैमरा पर्सन। फेमस व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो वो कुछ हिसाब किताब है। रमेश सेठी सर का अभी भी कल लेकर आए आप इंटरव्यू, तो ये पूरी एडिटिंग हो चुकी है यहाँ पर। और देख रहे हो कितनी खतरनाक फाइल है, ये आपने खुद ने किया? जब मुझे लग रहा था आपने एडिटर रखा होगा। वी हैव एडिटर, बट वो अभी कोई डॉक्यूमेंट्री शूट करने बाहर गया हुआ है, बट जनरली मैं अपने वीडियो सारे खुद एडिट करता हूँ। खतरनाक है, मतलब एडिटिंग जो भी है, जिसको भी आती है ना, वो ये देख कर समझ जाएगा कि यहाँ बहुत हैवी एडिटिंग हुई है। मतलब इतने कट और इतना सब कुछ है ना, वॉइस सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। टाइमलाइन जो होती है ना, बहुत खतरनाक सी है। क्यों भैया फेमस हो गए तो अब तो फोन ही नहीं उठा रहे? अरे यार मैं कहां से फेमस हो गया यार? क्यों, इंडियन एक्सप्रेस में तुम्हारा आर्टिकल छपा यार। मेरा आर्टिकल? हाँ, तुम्हारा नाम छपा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में आज के आर्टिकल में। अरे तुमने दिया होगा, तुम्हारे संग आ गया होगा। हाँ तो आर्टिकल आया ना यार अपना। देखो जाके, और क्या क्या इंडियन एक्सप्रेस ढूंढो कहाँ पे मिलेगा, ग्वालियर पे। अच्छा पेपर, और क्या। तो बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन एक्सप्रेस को कि किसी बहुजन व्यक्ति का आपने जो व्यूज़ थे वो लोगों तक पहुंचाने में मदद की। और सूरज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे उनका आर्टिकल का कॉलम दिया जहां पे मैं अपने बारे में बता सकता था। और हाँ, एक बहुत छोटी जगह से आते हैं ग्वालियर, बहुत छोटी जगह, कोई जानता भी नहीं है। ये सब फेमस हुआ 2 अप्रैल के बाद, और वो फेमस होने के बाद आज इंडियन एक्सप्रेस में है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत अच्छा प्राउड सा फील हो रहा है। और उसमें जो है सबसे खुशी की बात यह है कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं जो बनते थे, उनका नाम जो है उस आर्टिकल में छपा, तो ये रियली एक प्राउड फीलिंग आ रही है। तो अभी हम यहाँ पर है ना इंतजार कर रहे हैं, रमेश सेठी सर जो है वो अंदर बैठे हुए हैं, सबके साथ मीटिंग वगैरह ले रहे हैं, और इस ग्रैंड लेवल पर काम हो रहा है। और रमेश सेठी सर का जहाँ नाम जुड़ जाता है वो चीज़ें ग्रैंड तो हो ही जाती हैं। और इस वक्त जो है अंदर सुमित भाई अंदर गए हुए हैं, अशोक दास भाई भी थे, वो भी अभी उनसे ही मुलाकात हुई है। कैसे हैं सर आप? मतलब यहाँ पर क्या पर्पस था आपका आने का? वैसे भीमा कोरेगांव, दूसरा क्या हो सकता है, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। तो मैं अभी वीडियोस देख रहा था आपकी कि आप है ना एक कुछ वीआईपी पास लेकर आए, तो वीआईपी पास में है ना एक चीज़ मुझे ऐसा लगा कि जो बहुत सारे लोगों को ये जवाब सुनना होगा कि जो भी पास वहाँ से बुक कर रहा है तो उसको कहाँ पर टिकट मिलेगा। मतलब जैसे मैं भोपाल में हूँ, मैंने वो टिकट बुक कर लिया, तो वो जो है टिकट मुझे, मतलब मुझे भोपाल में सिनेमा हॉल में वहाँ पे मूवी देखने को मिलेगी कि मुझे कहीं पर्टिकुलर सेंटर या आसपास जाना पड़ेगा? ये उनका चॉइस है, जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हो जी, है लेकिन आपकी पोस्टिंग भोपाल में है, तो आप भोपाल में देखना चाहते हो कि दिल्ली में देखना चाहते हो?
वो चॉइस आपका है तो हम वो अलॉट करेंगे। सर जब पिक्चर आप बना रहे थे तो कुछ ऐसा मोमेंट फील हुआ आपको कि ये कभी भी जो है या बनाने में कुछ दिक्कत आ रही हो, आपको ऐसा फील हुआ कि यार ये बन नहीं पाएगी, अगर बन भी गई तो रिलीज नहीं हो पाएगी? क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे लोग इस पिक्चर के पीछे पड़े होंगे कि आने, मुझे लगता है रिलीज के समय कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें शायद ना। देखिए दिस इज़ अ कैलकुलेटेड एफर्ट। हमने स्क्रिप्ट भी बनाई तो ऐसी बनाई, हम बात भी करते हैं तो वैसी बात करते हैं जिसमें लॉजिक हो, रीज़न हो और वो जज्बा हो जो आप दिखाना चाहते हो। देखिए सेंसर इसमें इन्वॉल्व होता है, सेंसर ऐसी वैसी चीज़ रिलीज नहीं करेगा, वो क्लियरेंस नहीं देगा, है ना। आप देखेंगे ना ये गाने भी हमने जो डाले हैं ना सेंसर लेने के बाद डाले, उसके पहले नहीं किए। सर्टिफिकेट आता है स्टार्टिंग में, मैंने देखा है, मैंने सोशल मीडिया पे है, बिल्कुल मैंने डाला है, जो हुआ वो तो हुआ ही है ना, ये थोड़ी बोल रहे हैं। लेकिन किसी का, किसी जाति का नाम लेके या किसी को नीचा दिखाना, ये हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं, ऐसा करेंगे ही नहीं हम, और जब करेंगे ही नहीं तो रोकेंगे को। भोपाल जब मैं आया था मैंने आपसे बोला था जब पिक्चर की शूटिंग होगी तो वहाँ पर आने के लिए हमको कोई मौका मिल सकता है क्या? मतलब मुझे पिक्चर की शूटिंग देखने का शौक नहीं है, लेकिन जो आप कर रहे हैं ना ये हिस्ट्री बनने वाली है और वो हिस्ट्री बनते हुए मैं देखना चाहता हूँ कि मैं लोगों को बोल सकूँ कई साल बाद की जो पिक्चर बन रही थी ना तो मैं भी वहाँ पर था। नहीं आपको बुला लेंगे लेकिन आपका कैमरा हम ले लेंगे। जब मेकिंग डालने वाले हैं उसकी बाद में, जब रिलीज के बाद, रिलीज के बाद देखेंगे ये पिक्चर जो बनी है क्या, कितना संघर्षों से बनी है, इसमें क्या पड़ाव आ गए, क्या क्या है, किसने हर्डल डालने की कोशिश करी, हमने कैसे पार पाया, ये सब बाद में देखेंगे। अभी तो हम कुछ नहीं बता रहे, हमको पता नहीं है अभी। अभी सब अच्छा है। पिक्चर देखने के लिए बहुत ज्यादा मतलब बेताब हूँ मैं, और अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन, ये जरूर सुनना आप। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इसमें वर्डिंग थोड़ा चेंज किया, पहले दूसरा वर्डिंग था, ज्यादा हार्ड था, ज्यादा हार्ड था। ये जो आपने गाया है गाना वो शानदार है सर, बहुत शानदार। सर एक लाइन, सर एक लाइन सर, अरे दे दना दन दे दना दन दन की ऐसी की तैसी चुन, ये था पहले, अब इसको काटो। काट देंगे सर, म्यूट कर देंगे, काटो। अरे दे दना दन दे दना दन दन, अरे दे दना दन दे दना दन दन, अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन, अरे अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन, अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन, अरे दे दना दन दे दना दन दन, हे अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन, अरे अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन, अत्याचारी की ऐसी की तैसी चुन। शानदार सर, शानदार। आपने लॉर्ड बुद्धा चैनल, हाँ लॉर्ड बुद्धा चैनल जब करीब 7 साल मैंने चलाया, 7 साल चलाया आपकी, मतलब वो पहला टीवी चैनल था, पहला टीवी चैनल है वो जिसका एंकरिंग मैं करता था, और मेरा जनमत लाइव नाम का एक प्रोग्राम बहुत ही फेमस था, मतलब जो बहुजन समाज का पहला न्यूज, पहला न्यूज चैनल था, न्यूज प्लस बाकी भी बहुत सारी चीजें थी, तो वो आपने चलाया था, बड़ी बात है सर, अच्छा लगा आपसे बात मिल गया। वहाँ बैठ सकते हैं ना सामने, राउंड टेबल। तो ये राउंड टेबल में हमारा पहला सवाल थोड़ा तीखा हो सकता है आपके लिए। मैं कैप उतारूं, लोग पहचान पाएंगे मुझे? कुछ लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं कांग्रेसी बोल के। क्या समस्या क्या होगी उन लोगों को, मतलब लोग बोल रहे हैं चंद्रशेखर भाई का इंटरव्यू लेते रहते हैं। देखो अंजुल, हमारे जो बहुत सारे लोग हैं ना, कुछ सेलेक्टिव लोग जो हैं, उनको लगता है कि बहुजन पत्रकारिता का मतलब ये है कि हम किसी एक नेता विशेष के बारे में ही सारी बातें करते रहें, उन्हीं की खबरें दिखाते रहें और बाकी हम किसी का कुछ भी ना दिखाएं। जबकि हमारी पत्रकारिता के जो अम्बेडकरवादी उसूल हैं उसमें हमारे लिए जो भी समाज के जो व्यक्ति हैं वो सब हम उसमें भेद नहीं करते हैं, हम किसी में भेद नहीं करते हैं। ये कुछ सेलेक्टिव लोग हैं जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल जिस व्यक्ति के बारे में मैंने लिखा कि आप यहाँ से चले जाइए, दफ़ा हो जाइए, वो व्यक्ति पिछले कई दिन से मेरी टाइमलाइन पे आके बहुत उल्टा सीधा लिख रहे थे, बहुत बुरा बुरा लिख रहे थे। वो एक सीनियर आदमी है और मैं वही बोलना चाह रहा था कि वो उम्र में काफ़ी बड़े थे, तो आपको नहीं लगता कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए? बहुत ही एडवाइस होती है, बहुत आसानी से एक एडवाइस देते हैं कि यदि आप किसी को सम्मान देते हैं ना तो सम्मान मुफ्त में मिलता है।
है ना, आपने ये एडवाइस सुनी होगी कि जब आप गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, है ना, तो वो अगर जब मुझसे सम्मानित तरीके से बात करते हैं तो मैंने सम्मानित तरीके से उनके कई पोस्ट पे कमेंट भी किया है और वो मेरे बारे में बहुत बुरा लिख रहे हैं, वो जितने सीनियर वो हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आता है कि ये व्यक्ति किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो ऑनलाइन पेड ट्रोलर्स होते हैं ना, जो बीजेपी और कांग्रेस के IT सेल के जो ट्रोलर्स हैं, वो उस तरह की भाषा और मेरे खिलाफ बुरा बुरा वो लिख रहे हैं। तो इसलिए मैंने बिल्कुल एकदम से आके बाद में कि यार आपसे तो कोई बात ही नहीं हो सकती, मैंने जो कॉमेंट किया था उसमें लिखा था कि इंदिरा गांधी सरकार जो है उस समय बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी, तो उस पर वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेसी हैं। हाँ, मुझे एक बात बताइए, जब ऐसी लड़ाइयाँ होती है तो किसी सुप्रीम लीडर का ही नाम लिया जाता है कि उसके जो टीम के लोग होते हैं उनका नाम लिया जाता है? अब बहन जी के कार्यकाल में कोई बजट फायदे का पेश हुआ तो आप ये बोलेंगे कि फलाना वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था, या आप ये बोलेंगे कि बहन जी के कार्यकाल में सबसे फायदे का बजट जो है UP का पेश हुआ? आप लीडर का नाम लेंगे ना। जो आप जो व्यक्ति इतनी कॉमन सेंस नहीं यूज कर सकता है वो उसको मैं किस तरह से देखूं? इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आप दफा हो जाइए, चले जाइए। उसकी जगह आप ये तो कर सकते थे कि उनको रिप्लाई नहीं करते जैसा मैं करता हूँ। मैं जनरली नहीं करता, आप देख रहे होंगे इतने दिन से आप भी फेसबुक पे, मैं जनरली इस तरह के कमेंट्स को नहीं देता, लेकिन वो बहुत लगातार एक स्ट्रेटेजी बना के लगातार मेरे पोस्ट पे आते हैं। वो हो सकता है आपने जो है चंद्रशेखर भाई का इंटरव्यू ले लिया, इस वजह से गुस्सा हो गया वो। मैंने तो ट्विटर पे लिखा कि मेरा सपना है कि मैं कभी भी अपने जीवन में बहन जी का इंटरव्यू लूँ। मेरी औकात नहीं है बहन जी का इंटरव्यू लेने के लिए, तो लेकिन मैं अपनी औकात बनाऊंगा कि बहन जी इंटरव्यू दें, आप दिला दीजिए अगर आपकी बस की है तो। वैसे बहुजन पत्रकार जो हैं बहुत रेयर हैं, बहुत कम हैं, जो मैं होता हूँ 10 उंगलियों भी गिन सकता हूँ मैं पूरे इंडिया के। लेग पुलिंग जो है ना अपने, तो लेग पुलिंग थोड़ा कम करिए। हाँ, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको बाकायदा कमेंट करके बताइए कि हाँ ये आपने गलत किया है, और अगर वो गलत किया है, अगर हमने जैसे मैंने कोई गलत काम किया तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ वो गलत काम है। तो हमारा ये 5-स्टार में राउंड टेबल टॉक यहीं ख़त्म होता है। अब हम लोग जा रहे हैं ड्रोन लेने, ज़्यादा लंबा हो गया, ज़्यादा सीरियस हो गया, इतना सीरियस करता नहीं हूँ मैं अपने ब्लॉग में। चलो हम चलें। तो शानदार था, मज़ा आया आज। ये जो है ना फेमस चांदनी चौक है, जहाँ पर दुनिया के सारे कैमरे की दुकानें हैं यहाँ पर, लेकिन आज संडे है और यहाँ पे ना बंदा है ना बंदा की जात, मतलब यहाँ कोई भी नहीं है, आना पूरा वेस्ट हो गया। सामने जो है वो लाल किला है, सामने दिख रहा ना ये लाल किला है, और चल लोगे आप? हाँ मैं तो चल लूँगा। चलो फिर। तो जो काम करने के लिए आए थे ना उसमें से आधा काम हुआ, मतलब जो सोच कर आए थे वो तो हुआ ही नहीं, और जो सोचा अब आदमी उसमें भी आधा काम हुआ और बाकी का आधा काम होगा अब कल।